गुड मॉर्निंग सभी को, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। मैं हूं लखन संकेत, तो स्वागत है आप सबका विनर्स एमबीबीएससी चैनल पर। तो अभी हमने एक सिस्टम चलाया है कि अब आपको जो पेपर मिलेगा, जो एप्लीकेशन पे आप सॉल्व करते हैं, उसकी आंसर की भी आपको मिलेगी यूट्यूब पर, और कुछ प्रश्नों पे हम डिस्कस भी करते रहेंगे बीच बीच में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सभी लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग चले, गुड मॉर्निंग आशा। तो आप सभी ने अभी टेस्ट दिया होगा, 9 से 11 की जो एप्लीकेशन पर टेस्ट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप सबका बेहतर गया होगा टेस्ट। तो चले हम सबसे पहले सारे प्रश्नों के आंसर मिला लेते हैं, क्या आंसर होने वाला है। तो पहला प्रश्न, मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताऊंगा और आपको वहां पे आंसर भी मिलता रहेगा, आंसर सामने लिखा है। तो पहला प्रश्न आपने देखा होगा, पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ज्यादा रियासतें थी, और इसमें ऑप्शन में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट और नन ऑफ दीज ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर आपको बी लगाना है, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रियासतें थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मध्य प्रदेश में तीन कैटेगरी की स्टेट हुआ करती थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो यहां विंध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रियासत हुआ करती थी। सेकंड क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश से करीब 30 से 35 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मध्य प्रदेश की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले का गठन 1998 में नहीं हुआ था। ऑप्शन है बुरहानपुर, बड़वानी, श्योपुर, कटनी। अब इसमें से बड़वानी, श्योपुर और कटनी 1998 में बने थे, बुरहानपुर 2003 में बना था, है ना। बुरहानपुर को 2003 में बनाया गया है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, हर एक को जानकारी होती है, और इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर संभाग आपसे पूछा जाए, तो उसका आंसर हमेशा जबलपुर होगा, है ना, जबलपुर संभाग। अगर जिला वाइज पूछा जाए तो फिर आंसर कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ संभाग पूछा गया है, और इस संभाग में सबसे ज्यादा जिले भी आते हो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी ये संभाग आता है। फोर्थ नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के सोशल ऑडिट के लिए तैयार की गई ऐप का नाम क्या रखा। तो एक एप्लीकेशन का नाम आपसे यहां पर पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जलधन, जल दर्पण, जल जीवन या जल समर्पण, और ये प्रश्न आपको फोर्थ नंबर पे दिखाई दिया होगा। तो इसका राइट आंसर बी था, जल दर्पण। जल दर्पण नाम की एक एप्लीकेशन शिवराज सिंह चौहान जी ने जारी की है, इस एप्लीकेशन का नाम याद रखें, सीधा सीधा प्रश्न कई बार बन जाता है। इसमें अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कान्हर नदी को लेकर, जो कान्हर नदी है इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सीधा आंसर है सोन नदी, जो सोन नदी है, और सोन नदी फिर गंगा घाटी का एक हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। तो सोन नदी की एक सहायक नदी कान्हर नदी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए लगा लेना है। बाकी ऑप्शन पे नर्मदा, ताप्ती और बेतवा भी आपको दिखाई दिए होंगे, पर इसका राइट आंसर सोन नदी होगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन जो आया है वो कंप्यूटर से आया है, कंप्यूटर से। इसमें पूछा है विषम को ज्ञात करें, विषम माने एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जो इनमें से अलग दिखाई आपको देता है, छठवें नंबर पे। और ऑप्शन में है जावा, सी और बी, ऑप्शन बी पर है सी, और सी पर है C++ और डी पर है लाइनेक्स। तो इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि जावा, सी, C++ ये सब लैंग्वेज है ना, ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के नाम है, और ये डी जो है लाइनेक्स, उससे अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, सेवन देखें, सेवन नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजेंट का प्रकार नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये न्यू सिलेबस एमपीपीएससी में आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी अभी क्वेश्चन आए हैं इससे। तो इसके ऑप्शन देखें, इसके ऑप्शन आपको दिए गए थे, लर्निंग एजेंट, लक्ष्य आधारित एजेंट, सरल रिफ्लेक्स एजेंट और यूनिटी आधारित एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो डी आपको लगाना है, यूनिटी आधारित एजेंट। ठीक, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजेंट का प्रकार नहीं है, बाकी सब उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर पूछा गया है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बूटिंग। वैसे बाकी के इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दिए होंगे, प्रोसेसिंग, लोडिंग, मल्टीटास्किंग, पर 8वें नंबर का क्वेश्चन आपको लगाना है ए। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए है, बूटिंग।
नेक्स्ट नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन भी आपको कंप्यूटर से पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती है, अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो उससे प्रश्न पूछा गया है, कितने कंट्रोल की होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है नाइन्थ नंबर में, 1, 2, 3 या 4। तो सीधा आंसर है, सबने कीबोर्ड देखा है, 2 होती है। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसमें 2 कंट्रोल की होती है, ठीक है। चले 10वें नंबर पे देखें, फिर से आपको यहां पर कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। ऑप्शन है इसमें मॉनिटर, बी है स्कैनर, सी है प्रिंटर और डी है कीबोर्ड। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस इसमें से है प्रिंटर, प्रिंटर में हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है प्रिंटर में, ठीक है। अब देखें 11वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है और वो है चिंटू चीता को लेकर। चिंटू चीता नामक शुभंकर किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। तो चिंटू चीता जो शुभंकर है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा है। ऑप्शन आपको मिले हैं पन्ना, कूनो पालपुर, बांधवगढ़ और डी है कान्हा किसली। प्रेम में ज्यादा आ रहा हूं, ठीक है। चले आपके लिए प्रश्न भी दिखाने वाला हूं, तो प्रश्न वाली पीडीएफ आपको दिखने वाली है, तो आप प्रश्न भी यहां से देखते चलेंगे। वेट वेट, मैं यहीं पर हूं, कहीं नहीं गया, पूरा सॉल्व करके ही जाएंगे। प्रश्न आपके लिए दिखा रहा हूं जो प्रश्न है, क्योंकि ऐसे पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत सारे लोगों ने जिनने टेस्ट नहीं दिया होगा उनमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, तो यहां पे टेस्ट भी आपको दिख जाएगा, आंसर भी दिख जाएगा। जी वाला किस नाम से डली है ये, इसको ओपन करो, कैसा होगी भी ये, काय में ओपन कर दी तुमने, नहीं हो रहा। स्लाइड में बनवाना चाहिए था इसको, नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है। अभी ऊपर से नीचे चल पाएगा, ठीक है। देखें आपके लिए अब प्रश्न भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 11वें नंबर का प्रश्न क्या आपको दिखाई दे रहा है, चिंटू चीता, और ये चिंटू चीता वाला प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी चीतों को लेकर काफी माहौल बनाया है। तो इसमें जो 11th नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या था, कूनो पालपुर, कूनो पालपुर इसका राइट आंसर है, चिंटू चीता को प्रमोट वहां पर किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश की संबल योजना का संबंध किससे है, और इसका जो राइट आंसर था वो था 12 का ए, मतलब श्रमिकों से। संबल योजना मध्य प्रदेश की एक योजना है और इसका संबंध श्रमिकों से है, लेबर से है, तो इसका आंसर भी आपको यहां पर दिया गया है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, एक फैक्ट है, ऐसे मध्य प्रदेश के सीएम कौन है जो बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। ऑप्शन कैलाश चंद्र जोशी है, प्रकाश चंद्र सेठी है, कैलाश नाथ काटजू और डी पे है गोविंद नारायण सिंह। और 13 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर गोविंद नारायण सिंह है।
अब इन सभी से बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के पहले पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, है ना। मध्य प्रदेश के कौन से सीएम थे? पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे जो 1977 में बने थे। और गोविंद नारायण सिंह के समय पे भी कई सारे फैक्ट आते हैं पढ़ने को। जैसे गोविंद नारायण सिंह के टाइम पे पहली बार मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए गए थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। नेक्स्ट 14 नंबर पे देखें, इनमें से किस राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था? तो मध्य प्रदेश में तीन राष्ट्रपति शासन लगे थे 1977 में, 1980 में और 1992 में। और इसमें जो 1977 का इमरजेंसी था, राष्ट्रपति शासन था, उसमें सत्यनारायण सिन्हा मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। बी है सीएम पुनाचा, सीएम पुनाचा 1980 में थे और कुंवर महमूद अली 1992 में थे। तो इसमें जो नहीं थे उसका राइट आंसर डी होगा, निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू इसका राइट आंसर होगा, निरंजन नाथ वांचू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और निरंजन नाथ वांचू से एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है जो आप अपने हिसाब से उसको नोट जरूर करके रखना। ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे फैक्ट कई बार एमबीबीएस सीधे सीधे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नियम होता है कि कोई भी राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनता जिसका वह है, लेकिन ये एक अपवाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 15वें नंबर पे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि कोरोना काल में ये वाला योजना बंद कर दी गई थी। और अभी जब नया बजट आया है मध्य प्रदेश सरकार का पिछले साल का, उसमें इस योजना को फिर से चलाने की शुरुआत की गई थी। इसमें ऑप्शन है लेकिन शुरुआत वाला बताना आपको कब से शुरुआत हुई है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन दिख रहे हैं, ए पे 2014 है, बी है 2012, सी है 2008 और डी पर है 2006। और 15वें नंबर का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, मतलब 2012। 2012 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और याद रखना ये बीच में बंद भी हुई है ना, बीच में बंद हो गई थी, बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने जो नया बजट जारी किया उसमें इसको फिर से चालू कर दिया गया। अब देखें इसमें और एक अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, है ना, और उसमें से बताना है कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। ऑप्शन देखें इसमें है, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं रक्षित क्षेत्रों के। और उसमें से आपको ऑप्शन देखें, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है केवल एक और दो सही है, ऑप्शन बी है 1, 3, 4 ये सही है, और सी ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 सही है, और 16 पर डी दिया है जिसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही है। और 16वें नंबर का जो राइट आंसर इसमें बताया गया है वो राइट आंसर है बी, बॉम्बे, ठीक, बी राइट आंसर इसका होगा। 1, 3, 4 मतलब इसमें एक पे बांदीपुर आ जाएगा, मानस आ जाएगा और सुंदरबन इनमें है, भीतर कणिका में नहीं आएगा। अब ये फैक्ट सीधा सीधा एक पूछ लिया गया है आपसे। अगला प्रश्न देखें, इसके ऑप्शन दूसरे पेज पे मिलेंगे। प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो अभी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस होने का रीजन था रूस और यूक्रेन का जो वॉर हुई है, उस वॉर में इसका नाम बहुत ज्यादा आया है नाटो का। और नाटो जो देश है इसमें वो देश शामिल है जो अमेरिकी समर्थित है। अमेरिकी समर्थित मतलब ये है कि अमेरिका और उसके सहायक जो देश है, और इन सबका उद्देश्य था सोवियत संघ का विरोध करना, है ना। और इसका जो राइट आंसर आएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी आएगा, फिनलैंड। फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड वो देश है जो भी हाल ही में शामिल हुआ है किसमें, नाटो में, ठीक। अब ये देखें अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ब्रिक्स का है, ब्रिक्स आपने सुना होगा जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो उनने मिलकर एक बैंक बनाया था और ये बैंक बना है शंघाई में, चीन का जो शंघाई है वहां पे ये बैंक बना था। और इसका जो पहला अध्यक्ष था उसमें निर्णय लिया गया था कि एक इंडियन बनेगा। नेक्स्ट देखें, 19 नंबर का क्वेश्चन देखें, बीएसई सेंसेक्स में कितनी ब्लू चिप कंपनियां सम्मिलित हैं? तो सेंसेक्स ये शेयर मार्केट से जुड़ी एक शब्दावली है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आप बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसेक्स जो होता है उसमें टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो इकोनॉमी का एक प्रश्न है शेयर मार्केट से, है ना, टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, मतलब इसका राइट आंसर ए आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20,
जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? बहुत पुराना प्रश्न है और कई बार एमपीपीएससी में या कई बार आपने एग्जाम में इसको देखा होगा, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर होता है। तो इसमें ऑप्शन है यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम। तो आपको इसका राइट आंसर जो लगाना है 20 का, वो राइट आंसर रहेगा बी, बॉम्बे। और पश्चिम बंगाल इसलिए भी आता है क्योंकि विश्व में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जूट उत्पादित होता है विश्व स्तर पर, और ये पश्चिम बंगाल उसी के पास में पड़ता है, इस रीजन से यहां पर भी जूट की अच्छी खासी फसल है। नेक्स्ट देखें, ये एमपी से प्रश्न है, रामजी बाबा का मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन देखें, पन्ना, सागर, नर्मदापुरम और राजगढ़। तो रामजी बाबा का मेला कहां लगता है? आंसर आपको लगाना है इसका सी, नर्मदापुरम, जैसे पहले होशंगाबाद कहते थे वहां पर ये मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड से संबंधित है? बघेलखंड से संबंधित है कौन सा लोक नृत्य? ऑप्शन ए है बिरहा, बी है बधाई, सी है जावरा और डी है रजवाड़ी। तो इसका राइट आंसर बिरहा होगा, ए राइट आंसर होगा इसका, बिरहा। ठीक है, बधाई, जावरा, रजवाड़ी तो मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में होते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट है राम सहाय पांडे को लेकर, और मुझे कुछ याद आ रहा है इनको लेकर के अभी इनसे एक प्रश्न भी पूछा गया है, पिछली जो एमपीपीएससी की एग्जाम थी 2021 में, ऐसा मुझे याद आ रहा है जैसे इनसे कुछ पूछा गया हो। सन 2022 में राम सहाय पांडे को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया है, वह किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन ए सतना, बी टीकमगढ़, सी है दमोह और डी है सागर। ये बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं तो सतना तो सीधा सीधा बाहर हो जाता है, और 23 का सीधा आंसर आप लगा लें, सागर क्षेत्र से हैं, सागर संभाग से हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था आपसे, ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस लोक नाट्य से है? कौन से लोक नाट्य से संबंध बनता है ओम प्रकाश शर्मा का? माच, जो कि मालवा क्षेत्र में चलता है, गम्मत, स्वांग या फिर रासलीला, है ना, इनमें से किससे इसका संबंध बनता है? तो 24 का जो राइट आंसर आपको लगाना है वो रहेगा माच, राइट आंसर इसका माच रहेगा। चलें अगला प्रश्न देखें, इसमें 25 जो आपसे पूछा गया था, कौन सी रचना है जो राजशेखर की नहीं है? जो राजशेखर की रचना नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, विधा पूछा गया था तो राई, है ना, राई, ऐसा कुछ पूछा गया था राम सहाय पांडे से, वही मुझे याद आ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? ऑप्शन देखें, महावीर चरित, कर्पूर मंजरी, बाल महाभारत या बाल रामायण। तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, महावीर चरित्र इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों इनकी रचना है। नेक्स्ट देखें, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? ऑप्शन इसमें देखें, चार ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी दिया गया है यूके, सी दिया गया है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो 26 का जो राइट आंसर आपको लगाना है वो लगाएं सी, फ्रांस। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली जो कंपनी है वो किस देश की है? वो है फ्रांस की। चलें यहां पे आ जाएं 27 नंबर के प्रश्न पे, और ये सारे प्रश्न आपने अटेंड अगर किए हैं तो नंबर, अगर आपको बताए गए हो तो आप नंबर जरा शेयर करें, किसके कितने नंबर रहे हैं 100 में से। 27 नंबर के प्रश्न को देखें, इसमें पूछा गया है अंडमान द्वीप समूह के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में जमाएं, मतलब नॉर्थ से साउथ के क्रम में उनको जमाना है। ऑप्शन इसमें चार हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर उत्तर सेंटिनल, इन चार को उत्तर से दक्षिण में जमाना था, और यहां आपको कूट भी दिए गए हैं तो कूट के माध्यम से उनको जमाना था। 2 1 3 4 या फिर 1 2 3 4 और सी है 4 1 3 2 और डी था आपका 3 1 2 4। तो इसको कुछ नहीं जमाना है आपको, वो ऑलरेडी जमा हुआ है, सीधा लिखा है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान उत्तर में ही पड़ेगा, मध्य अंडमान मध्य में पड़ेगा, दक्षिण अंडमान दक्षिण में है और उत्तर सेंटिनल नीचे आ जाता है। तो ये 1 2 3 4 जमा हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर बी आएगा, कुछ नहीं जमाना है, जमा हुआ है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच है? ड्राइव इन बीच का मतलब है ऐसा बीच जहां पे आप कार से घूम भी सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और सबसे लंबा होना चाहिए एशिया का। तो ऑप्शन है ए मुजप्पिलांगड बीच, बी है कोल्लम बीच, सी है मारारी बीच और डी है फोर्ट कोच्ची बीच। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, 28 का ए आएगा, और ये केरल में पड़ता है, मुजप्पिलांगड बीच ये केरल का है, तो राइट आंसर इसका ए आएगा।
चले अगला क्वेश्चन देखें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 29। डिफरेंशियल हीटिंग की अवधारणा मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक घटना को समझाने के लिए दी गई थी? ऑप्शन है मानसून, बी है जेट स्ट्रीम, सी है चक्रवात और डी है रेगिस्तान। तो 29 का राइट आंसर आप लोग ए लगा लें, मानसून। डिफरेंशियल हीटिंग की अवधारणा किसको समझाने के लिए दी गई थी? तो आंसर होगा इसका मानसून, ऑप्शन ए। 30 नंबर का क्वेश्चन, ये एक प्रकार से करंट से पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये कुशियारा जो नदी समझौता है भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ है, तो कुशियारा नदी किस नदी की वितरिका है? वितरिका का मतलब एक प्रकार की शाखा। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी है यहां पर गंगा, सी है यहां पर कोशी और डी है बराक। तो बहुत चर्चाओं में रहा है ये, सबसे बनना चाहिए था, इसका राइट आंसर डी होगा, बराक। कुशियारा नदी किस नदी की वितरिका है? तो राइट आंसर डी लगा लें, बराक। अगला क्वेश्चन देखें, गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश का सीधा प्रश्न है। ऑप्शन है ए कृषकों को, बी है उद्योगपतियों को और सी है पशुपालकों को, डी है इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर आप सभी लोग लगा लेंगे, ऑप्शन सी पशुपालकों को। वैसे तो इसमें क्या ही दिमाग लगाएंगे, गोपाल का मतलब ही होता है गाय को पालने वाला, तो राइट आंसर पशु को पालने वाला। 32 देखें, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में जो बाघ की गुफा है वहां से प्रश्न आपको किया गया, बाघ की गुफाओं में गुफा नंबर 4 को किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर टोटल 9 के आसपास 9 गुफाएं हैं और उनमें से कुछ गुफाएं तो अब बंद हो चुकी हैं, तो इसमें गुफा नंबर 4 का नाम क्या है वो प्रश्न आपसे पूछा गया। तो सेकंड नंबर की जो गुफा है उसका नाम तो पांडव गुफा है, हाथी खाना ये थर्ड नंबर की गुफा है और रंग महल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बाघ की गुफा में जो गुफा नंबर 4 है उसका नाम रंग महल गुफा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नहीं सागर, हाथी खाना गुफा नंबर 3 है, इसका राइट आंसर ए होगा, रंग महल। नेक्स्ट देखें 33, वोल्फ्राम किस धातु का अयस्क है? देखें 33 नंबर का प्रश्न है, वोल्फ्राम किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है टंगस्टन, सी है मैग्नीज और डी है निकल। तो 33 का जो राइट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे बी, टंगस्टन। वोल्फ्राम किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर बी होगा, टंगस्टन। नेक्स्ट देखें 34, आपसे प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन यहां दिए गए हैं भोपाल, इंदौर, रायसेन, पीथमपुर। 34 का राइट आंसर आपको सी लगाना है, रायसेन। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट मध्य प्रदेश में कहां है? तो उसका राइट आंसर सी, रायसेन। अब देखें अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने भी बना रखे हैं और कुछ हैं जो केंद्र सरकार ने भी बना रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के। अब इन ऑप्शन को देख के आपको यह बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र केंद्र सरकार ने नहीं बनाया हो, और उसके ऑप्शन यहां अगली स्लाइड पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन देखें, यहां ऑप्शन आपको दिए गए थे पीलूखेड़ी, मंडीदीप, मालनपुर और प्रतापपुरा। तो इसका राइट आंसर आपको डी लगाना है, प्रतापपुरा। मतलब इसका सीधा मतलब है कि पीलूखेड़ी, मंडीदीप और मालनपुर ये तीनों किसने बनवाए होंगे, ये केंद्र सरकार द्वारा बनवाए गए होंगे, प्रतापपुरा मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया होगा। चले क्वेश्चन नंबर 36 देखें, क्वेश्चन नंबर 36 इतिहास से पूछा गया प्रश्न था, और प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन और कारण वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, तो अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो बिल्कुल इनको हल आधारित कृषि का ज्ञान तो था। कारण उसका पूछा गया है क्योंकि बणावली में प्रौण हड़प्पा स्तर से हल्की पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था। तो मतलब जब उसकी खुदाई में ये चीज प्राप्त हुई है तो इतिहासकारों ने उसका ये नॉलेज लगाया कि वहां के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। तो अब इसमें ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या सही है। तो ऑप्शन देखें ए पर है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या वो नहीं करता। सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सीधा राइट आंसर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। चले नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 37 आपसे पूछा गया था,
पाषाण का प्रकार को सूची टू स्थान से सुमिलित करिए, मतलब पहला जो सूची है उसमें पाषाण का प्रकार है और सूची टू में आपको स्थान बताया गया है और उसमें से आपको जोड़ी बनानी है। तो ऑप्शन देखें, ग्रेनाइट में लिखा हुआ है मथुरा कला, लाल बलुआ पत्थर में लिखा है सारनाथ कला, सफेद संगमरमर में लिखा है महाबलीपुरम और डी में बलुआ पत्थर अमरावती कला। अब इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताने हैं, तो ऑप्शन देखें, इसमें लिखा है A1 B2 C4 D2, मतलब यहां पर 1 2 4 2, बी पर है 2 1 3 4, सी पर है 4 2 1 3 और डी पर है 3 1 4 2। तो 37 का जो राइट आंसर अपन लगाएंगे वो लगेगा डी, ठीक है, 37 का राइट आंसर डी लगाएंगे क्योंकि ग्रेनाइट जाएगा महाबलीपुरम कला के साथ और लाल बलुआ पत्थर जाएगा मथुरा कला में और सी के साथ आपको लेना है सफेद संगमर अमरावती कला में और डी बलुआ पत्थर को ले जाएंगे आप सारनाथ कला में। तो इसका राइट आंसर डी लगा लें। चलें क्वेश्चन नंबर 38 देखें। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इतिहास से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुटलाता है? ऑप्शन देखें, ए है महावंश, बी है अशोक का चौथा शिलालेख, सी है अशोक का सातवां शिलालेख और डी है बुद्ध चरित्र। अब इसका जो राइट आंसर होगा 38 का वो लगाएंगे बी, अशोक का चौथा शिलालेख, ठीक है। तो वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुटलाता है? राइट आंसर होगा अशोक का चौथा शिलालेख, ठीक। चलें पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। 39 देखें, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो डेट आपको दे रखी है कि 15 जनवरी 1876 को स्थापना हुई थी और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जेसी बॉस, पीसी रे, सीवी रमन या डी महेंद्र लाल सरकार। तो इसका राइट आंसर डी होगा, महेंद्र लाल सरकार। तो 39 का आप राइट आंसर लगा लेंगे डी, महेंद्र लाल सरकार। चलें क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। ये इससे सरल क्या हो सकता है दुनिया में, वैसे पीएससी में आजकल इतने सरल प्रश्न आना थोड़े से कम हो गए हैं, पर आ गया है तो तोहफा कबूल करें। आर समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर ए रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना की थी वो ब्रह्म समाज थी और स्वामी विवेकानंद के टाइम पे रामकृष्ण परमहंस की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखें, ऑप्शन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध मृत्युदंड देना। तो 41 का आप राइट आंसर लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अच्छा, इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो 21 के दायरे में आते हैं। ये विरोध में इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 21 को जब हम पढ़े उसमें लिखा ही ये है कि राज्य केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को सजा दे सकता है, मतलब उसके प्राण और उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित करेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है, जबकि इसमें अपोजिट बात लिखी है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चले नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? मतलब ये है कि आर्टिकल 23 और 24 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है वो किसके शोषण को स्वीकृत करता है, मतलब किसे शोषित मानता है, सिंपल प्रश्न ये है, बच्चे, स्त्री, पूंजीपति, दलित। और ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है 1 2 3, डी है 2 3 4। इसका राइट आंसर ए होगा, 1 और 2, बच्चों और स्त्रियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान आर्टिकल 23 और 24। तो राइट आंसर इसका ए लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, 43 प्रेसिडेंट पॉलिटी से प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, क्या रॉन्ग है प्रेसिडेंट से? पहला है वह संसद का एक संघटक भाग है, ये सही है, आर्टिकल 79 में सीधा सीधा लिखा है। बी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है, वो डिस्कशन में भाग नहीं लेता, जो गलत है वही हमें ढूंढना है। तो राइट आंसर इसका बी होगा।
सी है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करता है, हाँ आर्टिकल 87 में लिखा है। नेक्स्ट है डी, वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू करता है, आर्टिकल 123। तो इसका राइट आंसर बी होगा क्योंकि वो गलत है। नेक्स्ट 44 देखें, लोकसभा के कार्यकाल को लेकर है, किसी भी परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल, फिर ऑप्शन है आपके पास, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है जो 5 साल का होता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बी ऑप्शन आपको दिया गया है कि एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी पे दिया है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी पर ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर सी होगा, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय इसका कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार बढ़ा सकते हैं, और 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल इसी प्रकार से बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर इसका सी लगाएंगे। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन 45 आपसे पूछा गया था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आसान सा प्रश्न है, सबसे बनना चाहिए था ये प्रश्न। ऑप्शन है 51 ए, ऑप्शन बी है 48 ए, ऑप्शन सी है 43 ए, डी है 42। तो राइट आंसर इसका होगा ए, अनुच्छेद 51 में बताया गया है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेशी मामले हैं उसके बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर इसका ए आपको लगाना है। चले अगला प्रश्न देखें, हनुमान ताल किस जिले में स्थित है। तो हनुमान ताल जबलपुर में स्थित है, राइट आंसर डी लगाएंगे। फिर देखें अगला प्रश्न आपको जनगणना से पूछा गया है, लेकिन ये मानव की जनगणना नहीं है, जानवरों की जनगणना है, पशु जनगणना। पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशु कौन सा है। ऑप्शन ए बकरी, बी है भेड़, सी है भैंस और डी है गाय। तो इसका राइट आंसर गाय लगाएं। 2019 की जो जनगणना हुई उसमें गाय सबसे ज्यादा पाई गई है मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट बनाई गई है, गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश में बनाई गई है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें 6 मंत्रियों को शामिल किया गया, मतलब जो 6 मिनिस्ट्री है, 6 मंत्रालय है, उनको शामिल करने की बात कही गई है। आपको बताना है इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्री, बी दिया गया है वन मंत्री, सी दिया गया है कृषि मंत्री और डी दिया गया है पर्यटन मंत्री। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा इसमें राजस्व विभाग का मंत्री भी शामिल होता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्री भी इसमें शामिल हो जाता है, तो ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। चले 49 का क्वेश्चन देखें, लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है। ऑप्शन ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर और डी ग्वालियर। तो 49 का आपको आंसर लगा लेना है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना जबलपुर में की गई है, राइट आंसर ए लगा लेंगे। देखें 50 नंबर का प्रश्न देखें, और ये प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि चीताओं का बहुत ज्यादा चर्चा है, चीताओं की, तेंदुआ की, और अभी आपने शायद सुना भी होगा मध्य प्रदेश में तेंदुआ बहुत ज्यादा हो गए हैं, तेंदुआ में भी मध्य प्रदेश की अच्छी स्थिति है, तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखें, मध्य प्रदेश में बाघों की तुलना में तेंदुआ की संख्या कम है, ये गलत है, उल्टा है, बाघ हमारे मध्य प्रदेश में कम है, तेंदुआ ज्यादा है। सेकंड है, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की तुलना में चीतों की संख्या कम है, ये सही है। थर्ड है ऑप्शन, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या और बाघों की संख्या बराबर है, ये गलत है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है बी पे, तो राइट आंसर आपको बी लगाना है, ठीक है, 50 का राइट आंसर बी लगाएंगे। चलें अगला प्रश्न देखें, ये मध्य प्रदेश के प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न है, जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है। ऑप्शन है राज्यपाल, गृह मंत्री, सी है मुख्यमंत्री, और डी पर जो भी दिया हो वो गलत ही होगा क्योंकि राइट आंसर यहीं पर लिखा है सी पे, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्य सचिव की जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री करता है, राइट आंसर सी लगा लेंगे। हाँ यहां पर मुख्यमंत्री का सचिव भी लिखा है, वो कैसे नियुक्ति कर देगा। चले अगला देखें 52, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश से थोड़े सरल से प्रश्न आए हैं, मतलब इतने सरल प्रश्न आए हैं, कुछ कठिन भी हैं वैसे, पर ये
कुछ प्रश्न बहुत सरल दिख रहे हैं। स्थापना सीधी सीधी आपसे पूछी गई है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, तो राइट आंसर इसका आप ए लगा लें। मध्य प्रदेश की जो उर्दू अकादमी है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक, तो राइट आंसर आप लोग ए लगाएंगे। चलें अगला प्रश्न देखें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, इससे कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए बंजर, बी धेनवा, सी है मनिहार और डी है चरण गंगा। इसका राइट आंसर बी होगा, देनवा। जो देनवा नदी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो राइट आंसर आप लोग इसका बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? ऐसे सीएम का नाम बताएं जो सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी रह चुके थे। ऑप्शन ए मोतीलाल बोरा, बी दिग्विजय सिंह, सी वीरेंद्र कुमार सकलेचा और डी है अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर सी होगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जब गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके समय पे इनको बनाया गया था मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, और ये मध्य प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम थे, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। चले आगे देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन भारत भवन के छह अंगों में से एक नहीं? तो भारत भवन के छह अंग हैं और भारत भवन भोपाल में स्थापित है, भोपाल में है। अब इसमें से कौन सा अंग है जो उसका पार्ट नहीं है? ऑप्शन देखें, रंगमंडल, छवि, अनहद या फिर रीति। राइट आंसर डी होगा, रीति, क्योंकि रंगमंडल, अनहद और छवि तो उसके पार्ट है, रीति नहीं है। राइट आंसर इसका आपको डी लगाने लगा है, ठीक। चले 56 देखें, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको हिंदी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी प्रश्न ये है। ऑप्शन है ए 1927, बी है 1929, सी है 1931, डी है 1933। राइट आंसर इसका ए लगा लेंगे, 1927, ठीक है। इसकी स्थापना मार्गरेट कजन ने की थी, मार्गरेट कजन ने इसकी स्थापना की थी, जो महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करती थी। नेक्स्ट 57 है, इतिहास से क्वेश्चन, गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपको दिए गए हैं अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तिगीन और डी है इस्माइल। तो इसका राइट आंसर गजनवी राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सी है, सुबुक्तिगीन, है ना। वैसे इसका पूरा नाम है सुबुक्तगीन, ये सुबुक्ति लिखा है पर ये सुबुक्तगीन है ना। राइट आंसर इसका सी होगा, और इसी राजवंश का आगे चलकर एक शासक भारत में भी आया था, महमूद गजनवी, जिसका नाम आपने सुना होगा। बाद में उसी महमूद गजनवी से मोहम्मद गोरी, उसी के आगे फिर आपका गुलाम वंश, ये सल्तनत काल में आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, किसका? गजनवी वंश का। क्या राइट आंसर दे रहा मैंने, क्या लगवाया उसका, मैंने आंसर क्या लगवाया, मैंने आंसर सी लगवाया। रुको इसमें देख लेते हैं जरा, 57 का एरर। अच्छा, मैंने सुबुक्तगीन बोला है, ठीक, एक मिनट सभी लोग इसको जरा चेक कर लें। 57 का राइट आंसर ए लगाना, अल्पतगीन, ठीक है, मुझे सुबुक्तगीन याद आया, पर इसका राइट आंसर ए लगाना सभी लोग, 57 का ए, अल्पतगीन, ठीक, गजनवी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन लगाना, ठीक है। हाँ, अल्पतगीन लगाना, मैंने ठीक कर दिया है उसको। अब ये भारत के कुछ यात्री हैं, इनका क्रम आपको जमाना है, कौन किस क्रम में आया है। ऑप्शन देखें, सिदी अली रईस, सेकंड है अलबरूनी, थर्ड है विलियम फिंच और फोर्थ नंबर पे है इब्न बतूता। तो इसका आपको सही क्रम जमाना है कि कौन सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले इसमें आया था अलबरूनी, अलबरूनी इसमें सबसे पहले आया था, इसी ने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी वो किताबुल हिंद नाम से। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आया था वो था इब्न बतूता। तो यहाँ पर सही जो बन रहा है वो बन रहा है 2 और 4 हमारे पास आ गए। उसके बाद सिदी अली रईस आया था और फिर आया था विलियम फिंच। विलियम फिंच तो ये जहांगीर के टाइम पे आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2413। 2413 कहाँ है? ऑप्शन सी पे, राइट आंसर सी लगाए, 2413। चलें नेक्स्ट देखें,
प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं कौन से राजवंश में शामिल होती थी, पार्टिसिपेट करती थी? ऑप्शन ए है चाहमानों, बी है चंदेलों, सी है चालुक्यों और डी है चोलों। इसका राइट आंसर सी लगाएं, चालुक्य। चालुक्य वंश में आपको सबसे ज्यादा यहां पर महिलाओं की भागीदारी दिखाई देती है और उसकी एक खास विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट देखें, 60 नंबर का प्रश्न है, खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई थी? खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई थी? ए है तुरफान, बी है काशगर, सी है कूची और डी है खेतान। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका राइट आंसर डी लगा लेना, खेतान। राइट आंसर इसका खेतान होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें, 61। ये आर्टिकल्स यहां पे सीधा पूछा गया है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से नहीं है? नहीं है मतलब वो ढूंढ लो जो है, तो आपको नहीं वाला भी पता चल जाएगा। तो सीएजी का प्रावधान संविधान में 148 से 151 तक है, तो उसके बीच में 149 भी शामिल है, 151 भी शामिल है, 150 भी शामिल है। राइट आंसर सी होगा, 152 उसका पार्ट नहीं है, है ना? तो इसका राइट आंसर आप सी लगा लेंगे। और 149 वाला जो ये आर्टिकल है ये 2018 या 19 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखें अगला प्रश्न मानव अधिकार आयोग को लेकर है, निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता? तो मानव अधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं, 7 होते हैं पदेन सदस्य, और ये पदेन सदस्य आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन देखें कौन नहीं होता है ना, ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति आयोग, बी है जनजाति आयोग शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, और सी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और डी है राष्ट्रीय महालेखाकार आयोग। तो ये तीनों होते हैं शुरू के, एससी वर्ग का जो कमीशन है उसका अध्यक्ष भी होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग का भी होता है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी होता है। तो जो नहीं होता वो होता है राष्ट्रीय महालेखाकार आयोग। तो राइट आंसर इसका आप डी लगाएंगे, और उसमें टोटल 7 पदेन सदस्य होते हैं, उसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338 संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? बहुत आसान प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि ये भाग पूछा गया है किस भाग में है, अंदर का क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। तो जो जाति आयोग है वो 338 में ही है, ठीक है। अब वो किस भाग में आता है, तो भाग 15 तो नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन है भाग 15 में, भाग 14 भी नहीं है क्योंकि उसमें जो लोक सेवा आयोग होता है उसके बारे में है, और इसका राइट आंसर सी आएगा, भाग 16। भाग 16 इसका राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखें, सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो इसकी जो पदावधि है उसको लेकर ऑप्शन है आपके पास, 5 वर्ष या 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष या 65 वर्ष, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, डी है 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सभी लोग इसका राइट आंसर बी लगाएंगे, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसका इनका कार्यकाल होता है। चले अब इससे सरल क्या होगा, ये तो बिल्कुल सीधा आसान सा प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो प्रेजेंट मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट है, आपको चेयरमैन है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है चंद्रशेखर रायकवार, बी है रमन सिंह सिकरवार, सी है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, डी है डीवी रेगे। राइट आंसर सी है राजेश लाल मेहरा, और ये पहले थे डीवी रेगे, है ना, ये फर्स्ट थे और ये प्रेजेंट है, राजेश लाल मेहरा राइट आंसर होगा। ठीक है, 66 देखें, कवि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रश्न मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन है संगीत, बी है नाट्य और सी है गीत रचना और डी है सामाजिक सेवा। तो राइट आंसर इसका आपको सी लगाना है, गीत रचना। जो मध्य प्रदेश में प्रदीप सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है गीत रचना, गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रानी रूपमती की समाधि किस जिले में स्थित है? तो रानी रूपमती का संबंध तो आप जानते हैं कि मांडू से है, और इनकी जो समाधि है वो मांडू में नहीं है, ये याद रखना। ऑप्शन देखें सीहोर, भोपाल, मांडू, राजगढ़। राइट आंसर डी होगा, राजगढ़, है ना, राइट आंसर इसका डी लगाएंगे, राजगढ़ में इनकी समाधि है।
चले अगला प्रश्न भी मध्य प्रदेश से ही है। निम्न में से कौन सा स्थल पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन देखें कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी है केन अभ्यारण्य, सी है गंगेऊ अभ्यारण्य और डी है बगदरा अभ्यारण्य। तो 68 का आप राइट आंसर लगा लें डी बगदरा। बगदरा अभ्यारण पन्ना रिजर्व क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, 69 देखें। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न भी आपने देखा होगा। ऑप्शन ए बालाघाट, बी जबलपुर, सी छिंदवाड़ा और डी है पन्ना। तो 69 का राइट आंसर आप सी लगाएं, छिंदवाड़ा। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां पर है, उसका राइट आंसर आप छिंदवाड़ा लगा लेंगे। चलें अगला प्रश्न देखें। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को जल की आपूर्ति किस बांध के द्वारा की जाती है? तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। ऑप्शन देखें महेश्वर बांध, बी है ओमकारेश्वर बांध, सी है ताप्ती बांध और डी है इंदिरा सागर बांध। और इसका राइट आंसर डी होगा, 70 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इंदिरा सागर बांध। ठीक, इंदिरा सागर बांध से संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति होती है। चलें नेक्स्ट देखें। 71 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? वैसे तो इसकी धाराएं हमें पूरी नहीं पढ़नी होती है, पर कुछ एक धाराएं कई बार पूछ भी ली जाती हैं। तो टोटल सेक्शन कितने हैं आपसे ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 38, बी है 40, सी है 36 और डी है 30। तो इसका राइट आंसर 71 का ए लगा लें। इसमें टोटल 38 सेक्शन होते हैं और इसी का जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, उससे एनजीटी की स्थापना होती है। चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। 72 केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? मतलब जो सीबीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी अपॉइंटमेंट में कौन इसमें शामिल नहीं होगा? तो कमेटी बनती है 3 लोगों की और उस कमेटी में कौन शामिल नहीं होता, प्रश्न ये है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है लोकसभा में नेता विपक्ष और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी में लोकसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं होता। तो राइट आंसर इसका आप 72 का डी लगा लेंगे। ठीक है, पीएम गृह मंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो काम दिए गए हैं इनके आर्टिकल 320 में, है ना, सिंपल 320 याद रखें, 320 में काम है। 321, 322, 319 में नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, आर्टिकल 320 में यूपीएससी कमीशन के काम दिए गए हैं। काम क्या है, तो काम वही है एग्जाम कंडक्ट करवाना, प्रमोशन से रिलेटेड या स्थानांतरण से रिलेटेड नियम कायदों के नियम कायदे बनाकर सरकार को सौंपना, ये उसके काम है। चले नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग जो एक अधिनियम के तहत बनता है और अधिनियम है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उस अधिनियम के तहत राज्य में खाद्य संरक्षण आयोग बनाया जाता है, इसमें कितनी महिला सदस्य शामिल होती हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 4, सी है 3, डी है 1। तो राइट आंसर इसका 2 लगाएंगे, 2 महिलाएं होती हैं इसमें याद रखें। तो 74 का राइट आंसर ए होगा। चले नेक्स्ट देखें। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो महिला आयोग जब भी आपसे पूछा जाए, महिला आयोग में अगर आपसे पूछा जाए नियुक्ति कौन करता है, पद से कौन हटाता है, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, सब केंद्र सरकार करती है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे काम करती है। तो इसका राइट आंसर सी लगाएंगे, केंद्र सरकार। अब देखें प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? मतलब किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम सेक्स रेशियो है? ऑप्शन ए बालाघाट, अलीराजपुर मंडला और डी है मुरैना। तो बालाघाट और अलीराजपुर को तो बिल्कुल बाहर कर दें, क्योंकि इनमें तो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 1000 से ऊपर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। मंडला भी नहीं है, वो भी मंडला में भी अच्छा खासा है। राइट आंसर इसका डी होगा, मुरैना। मुरैना में लिंगानुपात कम है ना। चले अगला प्रश्न देखें। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मतलब अपोजिशन के जो लीडर है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रेजेंट में कौन है, ये प्रश्न है।
ऑप्शन है गोविंद सह, बी है कमलनाथ, सी है जीतू पटवारी, डी है सज्जन सिंह वर्मा। कमलनाथ थे हालांकि पहले, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देके हट गए। अभी गोविंद सह है राइट आंसर, गोविंद सह। अच्छा, इस प्रश्न में एक तरीके से फंसाया जा सकता है, अगर यहाँ गोविंद सह राजपूत लिख दिया जाए तो फिर वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि गोविंद सह राजपूत पहले कांग्रेस में थे, अभी कहाँ आ गए हैं, बीजेपी में आ चुके हैं। गोविंद सह आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, गोविंद सह राजपूत आपके बीजेपी पार्टी के हैं। तो याद रखें, गोविंद सह विधानसभा में अपोजिशन के लीडर हैं। चलें अगला प्रश्न देखें, बबीता राजपूत का संबंध किस क्षेत्र से है, मध्य प्रदेश की बबीता राजपूत का संबंध किससे है, प्रश्न है। चलें नेक्स्ट देखें, चिकित्सा से, शिक्षा से, जल संरक्षण से, या डी उद्योगों से। राइट आंसर सी आएगा, जल संरक्षण से। तो बबीता राजपूत का जो संबंध है वो बनता है जल संरक्षण से, ठीक है। हाँ सही पकड़े हो कालू सिंह। चलें अगला प्रश्न देखें, हाल ही में नसरुल्ला गंज का नाम बदलकर भैरूदा कर दिया गया है, यह किस जिले से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है, एक बुरा नाम हटाकर दूसरा बुरा नाम क्यों रखा गया है। तो नसरुल्ला गंज का नाम बदलकर अभी भैरूदा कर दिया गया है, यह किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन देखें, सीहोर, बी है भोपाल, सी है रायसेन, डी है विदिशा। राइट आंसर सीहोर आएगा, सीहोर में पड़ता था ये और उसका नाम अभी भैरूदा कर दिया गया। राइट आंसर ए लगा लेना, 79 का ए। हाँ अब देखें अगला प्रश्न, सैफाली चौरसिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हिंदी गाने में प्रस्तुति दी थी, वह किस जिले से थी। ऑप्शन ए है बालाघाट, बी है सतना, सी है मंडला और डी है सागर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सी लगा लेंगे, मंडला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सी है मंडला, मंडला से थी वो, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखें, यह कंप्यूटर से प्रश्न है 81, और प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है इंटेल 8086, बी है इंटेल 8080 और सी है इंटेल 8008 और डी है इंटेल 4004। तो 81 का राइट आंसर आप लगा लेंगे डी, इंटेल 4004, राइट आंसर इसका डी रहेगा। चलें नेक्स्ट देखें, एमएस पावर पॉइंट 2007 के कस्टम एनिमेशन में पाई जाने वाली श्रेणी निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है मास्टर स्लाइड, बी है डिजाइन टेम्पलेट, सी है एंट्रेस और डी है ट्रांजिशन। तो 82 का राइट आंसर आप लगा लेंगे सी, इसका राइट आंसर होगा एंट्रेस, ठीक है, एंट्रेंस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, यह भी कंप्यूटर से पूछा गया प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। किसी विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण है उसको साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो 83 में देखें, ऑप्शन देखें, बस, बी है सीपीयू, सी है यूएसबी और डी है मीडी। तो इसका राइट आंसर मी डी आएगा, राइट आंसर डी लगा ले, मी डी, ठीक, राइट आंसर डी आएगा। 84 वाला क्वेश्चन अभी 2021 में एमबीबीएससी का जो एग्जाम हुआ है वो पूछा गया है, सीधा सीधा वहीं से आपको प्रश्न ये आया हुआ है। व्योम मित्र एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो विकसित किया गया है, किसने किया था ये विकसित, ये इसरो ने विकसित किया था 2021 में मध्य प्रदेश में, जो पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, देखें ऑप्शन देखें, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, डी है इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ए होगा, इसरो, इसरो के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है अपाचे, बी है एंड्रॉइड, सी है लिनक्स, डी है विंडोज। अब देखें इनमें से क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर ए लगा लें, अपाचे, अपाचे इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, एंड्रॉइड, विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखें, जीव द्रव्य कुंचन के कारण पादप कोशिका, ऑप्शन ए फट जाती है, बी फूल जाती है, सी स्थूल हो जाती है और डी शिथिल हो जाती है। इसका राइट आंसर आप लोग ए लगा लें, फट जाती है, जीव द्रव्य कुंचन के कारण जो पादप कोशिका होगी वो फट जाती है, तो राइट आंसर इसका ए लगाएंगे, ठीक।
ठीक है, अगला प्रश्न देखें। रसारोहण का ससंजन वाद किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है गोडलेवस्की, बी है जेसी बोस, सी है स्ट्रॉसबर्ग और डी है डिक्सन तथा जॉली। तो 87 का आप राइट आंसर लगा लें डी, डी राइट आंसर होगा, डिक्सन तथा जॉली। चलें एक प्रश्न देखें, आपसे पूछा गया है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित कैसे रहते हैं? तो जो शीतकाल है उसमें जो झील होती है उसकी ऊपरी सतह जम जाती है और बर्फ में बदल जाती है, पर उसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं वो जीवित रहते हैं, उसका कारण क्या है? ऑप्शन देखें, वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, ये तो गलत है भाई, बर्फ में कौन सांस लेगा, कैसे ले पाएगा? बी है उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, सी है उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। राइट आंसर इसका डी लगाएंगे, राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है और वो जीवित रहते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन देखें, ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, बी है एथिल एल्कोहल, सी है इथिलीन ग्लाइकोल और डी है ग्लिसरॉल। तो राइट आंसर 89 का आप लगाएंगे, ठीक है, तो राइट आंसर देखें 81 का आपको क्या लगाना है, 81 का राइट आंसर आप ए लगाएंगे, मेथिल एल्कोहल। ठीक, मेथिल एल्कोहल आप इसका राइट आंसर लगा लेंगे, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? ऑप्शन ए है इथिलीन, बी है आइसोप्रिन, सी है एसिटिलीन और डी है हेक्सेन। तो 90 का राइट आंसर बी होना चाहिए और 90 का आंसर बिल्कुल बी है, आइसोप्रिन इसका राइट आंसर होगा, 90 का बी लगा लेंगे, आइसोप्रिन। चले नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, बी है नई दिल्ली में और सी ऑप्शन के लिए अपन को नीचे जाना पड़ेगा, सी है पुणे और डी है हैदराबाद। राइट आंसर इसका सी लगा लेंगे, पुणे में। ठीक, सी राइट आंसर लगाएंगे, पुणे। चले अगला प्रश्न देखें, 92, मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एक बीजी पौधे से, बी है एक कीट से, सी है एक जीवाणु से और डी है एक कवक से। तो राइट आंसर इसका आप ए लगाएंगे, एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है जो क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन। 93 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन देखें, गाजर, बी है शकरकंद, सी है नारियल और डी है आलू। तो इसका 93 का राइट आंसर आप लगाएंगे डी, आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट देखें, 94 आपसे प्रश्न पूछा गया था, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? ऑप्शन देखें, एंथोसाइनिन, बी है लाइकोपिन, सी है कैरोटीन और डी है जेंथोफिल। तो 94 का राइट आंसर आप ए लगाएंगे, एंथोसाइनिन के कारण उसमें लाली होती है। चलिए नेक्स्ट देखें जरा, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट कौन से हैं, जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी, बायोडायवर्सिटी होगी? ऑप्शन ए हिमालय व पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, सी है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट और डी है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? ऑप्शन देखें, सेंट्रल जोनल काउंसिल, बी है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सी है सदर्न जोनल काउंसिल और डी है वेस्टर्न जोनल काउंसिल। इसका राइट आंसर बी लगा लेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल राइट आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा राज्यों को कवर करती है। नेक्स्ट देखें, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, तराई मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो यहां चार ऑप्शन है और कूट के माध्यम से इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा।
ठीक देखें, पहला है यह भावर पथ के दक्षिण में स्थित है, सेकंड है इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है, थर्ड है यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है, और फोर है यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान से अधिक चौड़ा है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भावर पथ के दक्षिण में स्थित है, सही है, इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है, थर्ड है यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है, फोर है यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है। कूट देख लेते हैं 97 पे, ठीक है देखें इसमें ऑप्शन है 1-3, बी है 2-4, सी है 1-2-4 और डी है 1-2-3-4। राइट आंसर डी लगाएंगे, चारों ऑप्शन यहां पर राइट है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी है लक्षद्वीप, सी है चंडीगढ़ और डी है पुदुचेरी। राइट आंसर इसका आप लक्षद्वीप लगाएंगे, बी, ठीक है, सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है वो लक्षद्वीप होगा, तो राइट आंसर इसका आप बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत है, तो मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट आता है। ऑप्शन ए है 0.15, बी है 0.25, सी है 0.35 और डी है 0.30, और ये सारे परसेंटेज में है, तो इसका राइट आंसर ए लगाएंगे, 0.15% इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका ए लगाएंगे। ठीक चलें लास्ट क्वेश्चन देखें 100, निम्नलिखित पठारों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें, मतलब आपको ईस्ट से वेस्ट इनको जमाना है, पहले पूर्व से स्टार्ट करेंगे और पश्चिम पे खत्म करना है। देखें, बुंदेलखंड का पठार, सेकंड बघेलखंड का पठार, थर्ड है मालवा का पठार और फोर्थ है छोटा नागपुर का पठार, और इसमें से क्रम दिया गया है 4-1-3-2, बी है 2-1-3-4, सी है 4-2-1-3, डी है 3-1-4-2। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, मालवा का पठार कहाँ पड़ता है, मालवा का पठार पड़ता है पश्चिम में, और बाकी ये सारे बुंदेलखंड बघेलखंड सारे छोटा नागपुर के पठार ये मालवा से तो पश्चिम ही में ही पड़ेंगे, तो मालवा अपना हो गया पश्चिम, मतलब सबसे पश्चिम में कौन सा है, मालवा, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए मालवा। तीन नंबर देखो कहाँ है, ऑप्शन सी पे दिख रहा है, राइट आंसर सी होगा इसका 4-2-1-3, ठीक है, क्योंकि मालवा का पठार सबसे पश्चिम में ही आता है, बाकी तो ये सारे के सारे पूर्व में पड़ते हैं, बुंदेलखंड हो चाहे बघेलखंड हो, और उसका सही क्रम भी मिल रहा है हमें, सबसे ज्यादा पूर्वी एरिया में पड़ेगा छोटा नागपुर, फिर सेकंड आएगा बघेलखंड, फिर नंबर एक पे आएगा बुंदेलखंड और थर्ड पे आएगा मालवा का पठार। तो ये सारे 100 क्वेश्चन थे, अब आप लोग चाहें तो अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा, कितना आपने किया है, तो जरा बताएं कितना आपने किया है, कितना आपका स्कोर रहा 100 में से, और उम्मीद है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, बताएं जरा क्या स्कोर रहा आपका। करंट अफेयर्स पूरा गलत हुआ, सोवेट कोई बात नहीं, पढ़ाई जारी रखें, और विनर्स एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक मैगजीन आपके लिए अवेलेबल है, आप उस मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं। 81 कालू सिंह, बहुत बढ़िया, और कोई स्कोर शेयर करेगा अपना। अच्छा अभी तो काउंट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। शिव दुर्गा ने 76 बताया, बहुत अच्छा स्कोर है इस पेपर में, मुझे लगता है आप 70+ तो नंबर ला सकते थे, अच्छा पेपर था, इजी भी थे और मीडियम भी थे, कुछ हार्ड भी थे। मिली रावत 93, देखो ऐसा है कि झूठ मत बोलो, मुझे नहीं लगता इसमें 93-94 इतना कोई ला सकता है इस पेपर में। प्रियंका ने 94, रिकॉर्ड तोड़ दिए तुम लोगों ने, चलो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा है वो सच होगा। अब देखो एक और ने टाइप किया है 99, अच्छा एक और कोई टाइप कर दो 101, 100 में से 101 लेकर आए, ठीक है अच्छी बात है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पीएससी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। चले तो अब मैं विदा लेता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना वीडियो में, और कमेंट करने के बाद उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और ऐसे टेस्ट होते रहेंगे और आपको उसका आंसर की भी बताई जाएगी, तो जुड़े रहें विनर्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।